अनिल एंड सुनील एंड देव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:4:3। दे हैव टेकन आउट द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जिसकी फेस वैल्यू है 40,000 1 जनवरी 2014, सरेंडर वैल्यू है 12,000 ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट आपके पास दी है। ये बोलता है कि देव रिटायर हुआ, अनिल और सुनील जो है फ्यूचर में प्रॉफिट को 5:3 में बांटेंगे। फॉलोइंग टर्म्स एग्रीड, गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट इज मेड, रेजिंग ऑफ गुडविल एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आल्सो नोट अपीयर इन द बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के 1,000 बने, 5,000 जो है स्टॉक कम हुआ। और इसके बाद जो है कैपिटल ऑफ द फर्म जो है न्यूली फर्म की एडजस्ट करनी है न्यू रेशो में, देव को 5,000 रुपये जो है 3,000 रुपये जो है कैश में पेड किया जाएगा और रिमेनिंग उसके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो 10% इंटरेस्ट के साथ उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट और आल्सो देव लोन अकाउंट फॉर 3 ईयर। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 34 में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। तो पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। आपने देखा कि सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर जो है बढ़े, लाइबिलिटी का बढ़ना दैट मीन्स कि बिजनेस में लॉस होना, तो 1,000 जो है आपने इसके डेबिट में लिखा। उसके बाद आपका स्टॉक फिर रिड्यूस हुआ और वह है 5,000 से रिड्यूस हुआ, टोटल जो है आपको 6,000 का लॉस हुआ। उसको आपने तीनों पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 में बांट दिया। ये आपके पास आया 2,500, 2,000 और 1,500, टोटल आपको 6,000 हुआ। आमने सामने 6,000 और 6,000 कर दिया, तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू इच अदर, दैट इज 6,000 और 6,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर जितने भी पार्टनर उनका नाम, और इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रो डाउन कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। सुनील का दिया हुआ है 37,500, इसी प्रकार से अनिल का दिया हुआ है 32,000। और उसके बाद सुनील अनिल सबसे पहले आपके पास अनिल है, तो उसके बाद सुनील है, और उसके बाद जो है वो देव है। उसके बाद आपका देव का बैलेंस दिया हुआ है 22,500। यानी उसके बाद आप जो है रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसको देंगे डेबिट में, तो उसकी आपने ट्रांसफर एंट्री करिए 2,500, 2,000 और 1,500। यदि प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं, लॉस हुआ इसलिए डेबिट साइड दिखाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो है गुडविल दी हुई है, गुडविल जो फर्म की दी हुई है 24,000 दी हुई है। 24,000 में जो बंदा रिटायर हुआ देव, उसका हिस्सा जो है वो है जी 3/12, तो 3/12 आया जी आपका 6,000। 6,000 की राशि को एज पर देयर गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालने के लिए आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो कटाएंगे। अगर वर्किंग नोट की बात करें तो आपके पास न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया आपके पास 5:3 और ओल्ड रेशो दिया है 5:4:3। तो सबसे पहले अनिल गेन करता है, अनिल का ओल्ड रेशो है 5/8 और न्यू रेशो जो है वो है 5/12, इसका एलसीएम आया 12, ये आपका 15 आया। और इसी प्रकार से आप ये आपके पास 10 आया, तो ये आपके पास 5/24 आया, इसका एलसीएम 24 आया, इससे आपको मल्टीप्लाई किया 9, और ये आपके पास आया 8/1/24, हैंस गेनिंग रेशियो जो आया वो 5:2 आया। तो फर्म की गुडविल जो है वो टोटल 24,000 है। 24,000 में देव का हिस्सा है 3/12, दैट मीन्स 6,000। 6,000 की राशि को गेनिंग रेशियो में 5:1 में बांट देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि देव की कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, एक एक देव की कैपिटल जो है 5,000 से अनिल बढ़ाएगा और 1,000 से सुनील बढ़ाएगा। उसके बाद अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात करें तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है 12,000 की है, 12,000 में इसका हिस्सा है 3/12, तो यह आपके पास 3,000, 3,000 को फिर जो है 5:1 में बांटा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की एंट्री भी बिल्कुल गुडविल की तरह करते हैं, बाय अनिल अकाउंट और बाय सुनील अकाउंट 2,500 और 500। इसी प्रकार से इसकी डेबिट में एंट्री करेंगे, क्योंकि अनिल और सुनील की कैपिटल कम हो जाएगी, तो डेव कैपिटल गुडविल का 5,000 और 1,000 और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी 2,500 और 500। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड 37,500, 32,000। और इसका जो टोटल हुआ अगर बात करें देव का, तो देव का आपने टोटल किया तो ये आपके पास आया जी 31,500। इसमें से इसको कटा देंगे तो आप सभी जानते हैं इसको कैश में पेमेंट करने को बोला कि 3,000 इसको कैश में दे दो और बाकी इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, 27,000 लोन में ट्रांसफर हो गया। आमने सामने जो है टोटल कर दिया 37,500,
32,000 और 31,500। फिर कैपिटल का बैलेंस निकाला, इनमें से सारी चीज़ें घटाई तो इसका बैलेंस आया जी 27,500 और इसका आया 28,500। इस बैलेंस के एड उनको फिर यहाँ पर लेके 27,500 और 28,500। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल को जो है एडजस्ट किया जाएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपके पास आई 27,500 प्लस 28,500 56,000। 56,000 की राशि को आपने जो है 5:3 में बांटा, तो 5:, ये आपके पास आया 35,000 और ये आपके पास आया 21,000। इस यहाँ पर जो है इसको कैरी डाउन लिखेंगे 35,000 और 21,000। आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी बैलेंस है वो लेकर आएंगे, को एक बंदा निकालेगा तो दूसरा जो है वो लेकर आएगा। वो कितना लेकर आया और कितना इसने ये निकालेगा इसके अंदर क्लियर है। तो 7,500 जो है एक बंदा लेकर आया, कौन लेकर आया जी, अनिल। और अगर बात करें सुनील की, तो सुनील ने जो है वो 7,500 जो है विड्रॉ कर लिया। और आमने सामने इसका टोटल करेंगे, ये आ गया 35,000 और ये आपको बस आया 28,500। इसी प्रकार से ये भी आपका 35,000 और ये 28,000। तो ये था जी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 5,000, 5,000 ये दिया हुआ जी। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अनिल जो है और लेकर आया, अनिल लेकर आया 7,500। और अगर सुनील की बात करें तो सुनील को जो है हमने 3,000 जो है पे कर दिया और 7,500 जो है ये और लेकर आया। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास 12,500 और 2,000 जो है आपके पास बैलेंस बच गया, ये भी 12,500। कैश का बैलेंस जो है आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैश का बैलेंस सबसे पहले आपने निकाला, अभी 2,000 आया। अगर डेटर की बात करें तो डेटर में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ये आपके पास 15,500 आए। स्टॉक जो है वो कम हुआ था, रिड्यूस हुआ था, आई थिंक स्टॉक 5,000 से रिड्यूस हुआ था, तो आपके पास 31,000 आया। ठीक है, इसी ये मतलब टोटल जो है 36,000 था, 36,000 में से 5,000 कटाया तो 31,000 बचा। और फिक्स सेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, 48,000 के 48,000 लिख दिए। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स जो हैं वो 12,500 के 12,500 ही रहे। उसके बाद अगर बात करें कैपिटल की या वो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल की, तो ये 1,000 हैं। अगर देव के लोन की अकाउंट की बात करें तो ये 27,000 है। अगर अनिल और सुनील की कैपिटल की बात करें तो अभी हमने निकाली थी ये 35,000 और 21,000 है, टोटल कर दिया 56,000 है। बैलेंस शीट का टोटल किया तो बैलेंस शीट का टोटल आपके पास आया 96,500 और 96,500। इस प्रकार से आपका जो है वो बैलेंस शीट है। उसके बाद देव के लोन अकाउंट को बनाने को बोला इसने, तो देव का लोन अकाउंट बनाएंगे। जिसको अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले उसका नाम लिखा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट साइड। देव के लोन पर आपने 10% इंटरेस्ट देना है, तो 10% इंटरेस्ट दिया आपने और आपने 3 किस्तों में देना, तो एक किस्त जो है 9,000 की होगी, तो इंटरेस्ट बना इसका 2,700। तब आप जब पेमेंट करेंगे तो 9,000 प्लस 2,700 टोटल देंगे, तो आपके पास आया 11,700। तो इसका टोटल करेंगे, ये आपके पास आया 29,700, तो आपके पास 18,000 बचेगा। इसको आमने सामने बराबर करेंगे 29,700, इस बैलेंस को यहाँ ले जाएंगे, ये आपके पास आया 18,000। 18,000 पर फिर भी 10% इंटरेस्ट देंगे 1,800, ये आपके पास आया 19,800। टू बैंक करेंगे, किस्त देंगे 9,000 की प्लस इंटरेस्ट देंगे 1,800 का, तो टोटल देंगे 10,800 और जो बैलेंस बचा वो लिख देंगे 9,000। आमने सामने टोटल करेंगे 19,800। फिर थर्ड ईयर के शुरू में फिर ले जाएंगे आप बाय बैलेंस ब्रो डाउन 9,000, इसका 10% करेंगे तो 900 और जो टोटल मिला के जो बना वो आप दे देंगे 9,900। और इस प्रकार से आमने सामने कर देंगे 9,900 और 9,900। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्म एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट आपके पास दी है, मिस्टर एक्स रिटायर हुआ, कैपिटल जो है वो क्रेडिट विद ₹50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ, प्रोविजन फॉर 3% इंक्रीज हुए, इन्वेस्टमेंट जो है एप्रिशिएट हुई 4%, मिस्टर एक्स जो के लोन अकाउंट जो है पेड ऑफ ऑन 1 जनवरी 2015, रिटायरमेंट हुई एक्स की। और ये बोलते हैं कि गुडविल को जो आपने बुक्स में एलिमिनेट करना है और शेयर प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू इक्वलाइज द कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग नेसेसरी फंड जो आपने लाना है वाई और जेड इस प्रकार से लाएंगे कि आपके पास ₹10,000 बैंक का बैलेंस रहेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाने की इस प्रकार से इसको किया जाएगा।
फर्नीचर जो है सबसे पहले डेप्रिशिएट हुआ, तो टू फर्नीचर 1500 का जो है फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ। स्टॉक भी जो है डेप्रिशिएट हुआ 16700। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो 3% बनाए, तो 3% बने आपके 9000, परंतु 6000 पहले ही बने हैं तो 3000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हुई, तो इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई जी 4%, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया हुआ है तो 4% हुआ इसका 2000। फिर आपको लॉस हुआ, लॉस हुआ क्योंकि आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद आपको लॉस हुआ, और जो आपको लॉस हुआ पार्टनरशिप के अंदर वो आज 19200 की राशि को एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज पर देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2 में बांट दिया, तो आपके पास आया 9600, 5760 एंड 3840। इस प्रकार से आपने इसको बांट दिया और ये आपका टोटल हुआ 21200, और ये भी आपका आया 21200। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर XYZ, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, तो कैपिटल का बैलेंस आपके पास दिया है 240,000 एक्स का। फिर आपके पास वाई का दिया हुआ है 1,75,000। इसी प्रकार से आपके पास जेड का दिया हुआ 1,25,000। फिर आपका जो रिवेल्यूशन का लॉस है आप सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपके पास आया 9600 डेबिट में, क्योंकि रिवेल्यूशन के लॉस को डेबिट पर साइड में दिखाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 5760 और 3840। उसके बाद जो ऑलरेडी गुडविल है उसको बांट दिया जाएगा 5:3:2, तो आपके पास आया 50,000, 30,000 और 20,000, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे टू गुडविल। उसके बाद जो आप सभी जानते हैं कि जो फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल दी हुई है जी इसमें 50,000 की राशि को एज पर देयर सेक्रीफाइजिंग रेशो, अगर आप इनका सेक्रीफाइजिंग रेशो देखेंगे तो ये आपके पास आया वर्ष और जो भी आया 2:3, तो 2:3 में जो है 50,000 को बांट दिया, तो आप देंगे किसको, एक्स को बाय वाई कैपिटल 20,000 और 30,000। उसके बाद इसके डेबिट में करेंगे 2x कैपिटल को वाई और इसको कम करेंगे तो 20,000 और 30,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एक्स के लोन का अकाउंट को जो है इसी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोला इसने, तो एक्स के लोन अकाउंट को इसी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो 10,000 जो है इसी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, ये आया आपके पास 1,25,000, ये आपके पास आया जी 1,75,000। और अगर बात करें आपका जो एक्स है उसका जब टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद 2,40,000 प्लस 3,00,000, और 3,00,000 में से जो है जब आप इसको कटाएंगे तो आपके पास आएगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड। और अगर वाई की बात करें तो इसका बैलेंस आएगा 1,19,240, और अगर जेड की बात करें तो जेड का बैलेंस आया 71,160। आमने सामने जो है टोटल कर देंगे, टोटल जो आपका बराबर आया, ये आपका 3,00,000 आया, ये आपका आया 1,75,000 और ये आपके पास आया 1,25,000। इस बैलेंस को आप कैरी डाउन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2,40,000, 40,400, इसी प्रकार से 1,19,240 और 71,160। तो जिसका कम है उसको वो निकालेगा और जो जिसका ज़्यादा है वो बिजनेस से निकाल लेगा। सबसे पहले तो हम एक्स को पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक 2,40,000, इस प्रकार से एक्स के साथ जो रिटायरमेंट हुई उसको हमने पेमेंट कर दी। अगर बात करें दूसरे अगले अदर पार्टनर्स की, तो उनकी कैपिटल का बैलेंस जो है आपके पास दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो आपका आएगा, क्योंकि हम इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, सारी कैपिटल को जोड़ देंगे, जो बैलेंस आया 2,40,000 प्लस 1,19,240 71,160 प्लस जो कैश का बैलेंस आपने मेंटेन रखना है 10,000, वो माइनस ऑलरेडी जो बैलेंस है उसको कटाया, जो आपके पास आया वो आया 3,81,800। इसको जो है 3,81,800 को जो है वो बांट देंगे, ये इक्वल में बांटा जाएगा क्योंकि इनका फ्यूचर प्रॉफिट जो है इक्वल है, तो ये आपके पास आया 1,90,900। इसी प्रकार से इसका भी 3,81,800 upon 1/2, दैट इज 1,90,900, और इस बैलेंस को क्लोज लिख देंगे क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और कम और ज़्यादा होने पर अगर कम हुआ तो ये और लेकर आएंगे, दोनों का कम है इसलिए ये लेकर आया, तो 1,90,900 में से आपने 1,19,240 कटाया, तो ये 71,660 लेकर आया, तो इसका मतलब है कि ये भी लेकर आया और दूसरे का भी 1,90,900, तो ये भी आपका 1,19,740 लेकर आया,
तो इसका आपस में हमने टोटल कर दिया और टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू इच अदर। और उसके बाद जो है आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हो जी, कि हमारे पास जो है क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ 60,000। इसी प्रकार से बिल्स पेबल में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ 75,000। और अगर कैपिटल के बैलेंस की बात करें तो हमने निकाला था 1,90,900 और 1,90,900, इन दोनों को जोड़ा तो आपको पास आया 3,81,800। बैलेंस शीट का टोटल किया, लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है आपका बैलेंस शीट का आया, बैलेंस शीट का टोटल जो है आपस में जो है दोनों का मिलना चाहिए, ये आपके पास आया 5,16,800। उसके बाद फर्नीचर का बैलेंस जो है वो कम हुआ, 15,000 था, 1,500 कम हुआ, तो आपके पास 13,500 आया। अगर स्टॉक की बात करें तो 1,67,000 था, 16,700 कम हुआ, तो 1,50,300 आया। डेटर्स जो है वो 3 लाख के थे और कम होकर जो है वो 2,91,000 के रह गए, 9,000 कम हुआ। इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी थी, इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 की थी, जिसमें 2,000 जो है 4% बड़ी थी, तो आपके पास आ गई जी 52,000। उसी प्रकार से जो है आपका बैंक का बैलेंस जो है वो लास्ट में 10,000 मेंटेन रखना था, तो हमने निकाला और उसके बाद अब इसका टोटल किया, तो ये टोटल करने के बाद ये आया 5,16,800। तो दोनों साइड का टोटल जो आपस में बराबर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। 36 ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट आपके पास दी है, बी रिटायर हुआ 1 जनवरी 2016 को, प्रोविजन फॉर डाउट क्रेडिट जो है रेज हुए 2000 से, आउटस्टैंडिंग डैमेज जो है 2200, क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए 12,000 से, गुडविल ऑफ द फर्म 42,000, गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है, बी को पे किया जाएगा इन सच ए मैनर कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको एडजस्ट किया जाएगा और कैपिटल का बैलेंस जो है वो 20,000 रखा जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2000 से इंक्रीज हुए तो 2000 लॉस हुआ आपको, आउटस्टैंडिंग क्लेम भी जो है वो 2200 से इंक्रीज हुए आपको लॉस हुआ, क्रेडिटर्स जो है इंक्रीज हुए 12,000 से तो 12,000 जो है वो लिख देंगे, आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ गया, आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को जो है आपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाएगा, एज पर ओल्ड देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो आपके पास आया प्रॉफिट, जो आपके पास आया वो आया 7,800, 7,800 की राशि को 3,900, 2,800 और 1,400 जो इस प्रकार से बांट दिया आपने। टोटल जो प्रॉफिट आपके पास आया वो 7,800 ही आया जी, 7,800 को हमने बांटा। और उसके बाद सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दिया आपके पास, कैपिटल का बैलेंस दिया है 80,000 ए का और 80,000 ही बी का, 60,000 जो है वो सी का, रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट हुआ इसको दिया आपने 3,900, 2,800, 1,400। ऑलरेडी जो रिजर्व है उनको बांट दिया, ऑलरेडी रिजर्व को जो है वो बांटा जाएगा 3:2:1 में, तो ये आपके पास आया 12,000, 8,000 और 4,000, ये आपने 3:2:1 में बांटा। उसके बाद आप सभी जानते हैं ऑलरेडी गुडविल है 18,000, ऑलरेडी गुडविल 18,000 को भी आपने राइट ऑफ कर दिया 9,000, 6,000 और 3,000। उसके बाद आप जो फर्म की गुडविल है वो ए और सी, एज कैपिटल बाय सी कैपिटल जो है वो देंगे, किस रेशियो में देंगे, आप सभी जानते हैं कि गुडविल जो है वो 42,000 दी है, 42,000 में बंदा रिटायर हुआ, बी बी का हिस्सा है 2/6, तो 2/6 का मतलब ये है कि 14,000 की राशि को जो है एज पर देयर वर्ड्स और जो भी उनका एज पर देयर गेनिंग रेशो जो है बांट दिया जाएगा, तो 24,000 की राशि को जो आप एज पर देयर गेनिंग रेशो बांटेंगे तो इसका गेनिंग रेशो कितना है जी, आप 3:2 इसका ओल्ड रेशो है, तो वर्ड्स और जो भी इसका गेनिंग रेशो है उस गेनिंग रेशो में इसको बांट देंगे। बी को दिया जाएगा गुडविल में हिस्सा, तो आपके पास आया था, ये आपके पास आया 4,200 और ये आपके पास आया 9,800। उसके बाद आप सभी जानते हैं कैपिटल कम होगी ए और सी की 4,200 से और 9,800 से। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड इसका टोटल आया 65,400। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास आया 94,000।
1,04,800 ये आया जी। उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 95,900, और आमने सामने कर देंगे 95,900, 1,04,800, 65,400। कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे तो कैपिटल का बैलेंस जो आपके पास आया 82,700, इसका आया जी आपके पास 98,600, और अगर तीसरे की बात करें तो इसका आप टोटल आया 52,500। आमने सामने टोटल कर देंगे इस बैलेंस के डाउन को, बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिखेंगे, 82,700, 98,600 और 52,500। अब इनको पेमेंट की जाएगी, जब इनको पेमेंट आप करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो आप पेमेंट करेंगे ए को, जो वी रिटायर हुआ 98,600। उसके बाद इनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा एज पर देयर न्यू रेशियो। कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए इन सारी कैपिटल को जोड़ेंगे, 82,700, 98,600, 52,500, 20,000 और कैपिटल का जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको कटाएंगे तो आपके पास आया 2,15,000 का 3/5, 1,29,800, 480। तो इसका आ गया जी 1,29,480। और अगर बात करें सी की तो इसका बैलेंस आया 86,320। आमने सामने टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद यह आया 1,29,480, 98,600 और ये आपके पास है 86,320। ये लेकर आएंगे जी कैश, कितना लेकर आएंगे ये आपने देखना है कि ये जो है ए जो है वो कितना कैश लेकर आएगा 82,700। ए जो है वो आएगा 46,780। और अगर बात करें सी की तो सी जो है वो लेकर आएगा 33,820। आमने सामने जो टोटल कर देंगे तो आपके पास आया 1,29,480, 98,600 और 86,320। आमने सामने जो है वो कैपिटल अकाउंट का टोटल कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे, ये आपके पास आया 20,000, डेटर जो आपके पास आया 42,000 आए। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपके पास जो है 36,000 का 36,000 रहा। फर्नीचर में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, फर्नीचर जो है आपका 60,000। इसी प्रकार से आपकी मशीनरी जो है 1,40,000। और अगर बात करें क्रेडिटर्स की तो ये आपके पास है 48,000। आउटस्टैंडिंग क्लेम जो है वो आपके पास है जी 2,200। और अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का जो है ए का बैलेंस आया 1,29,480, और अगर सी की बात करें तो 86,320। दोनों का टोटल कर देंगे तो आपके पास आया 2,15,000। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल जो आपस में मिलेगा, दैट मीन्स कि आपस में इक्वल आएगा, तो बैलेंस शीट का टोटल जो आपके पास आया 2,98,000 और 2,98,000। तो इस प्रकार से था जी आपका क्वेश्चन नंबर 36।